नमस्कार एंड हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र बोला और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज का हमारा विषय है प्रेग्नेंट यानी गर्भवती महिलाओं के लिए 5 ऐसी चीज़ें जो भूल कर भी गर्भवती महिलाओं को इस दौरान नहीं खाना चाहिए, 5 फूड्स टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो देखते हैं दोस्तों, ये 5 चीज़ें कौन सी हैं जो गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी अवॉइड करनी चाहिए। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को इस दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी होता है, डाइट का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी होता है। कई बार जाने अनजाने में वो कुछ ऐसी चीज़ें खा जाते हैं जिनसे गर्भपात यानी अबॉर्शन हो जाता है, और बच्चा जो गर्भ में पल रहा होता है, जो फीटस पेट में पल रहा होता है, उसमें कई सारी बीमारियां पैदा हो जाती है जब वो बच्चा जन्म लेता है, जिसे हम कंजेनाइटल बीमारियां बोलते हैं। इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है, जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, जो सबसे पहला खान पान है जिसे अवॉइड करना चाहिए गर्भवती महिलाओं को, वो है कच्चा पपीता, यानी कि जो हरा रंग का पपीता होता है, अनराइप पपैया उसे हम बोलते हैं। कच्चे पपीते के अंदर, हरे पपीते के अंदर लेटेक्स और पेपेन नाम की दो चीज़ें होती है, जो अगर गर्भवती महिलाएं खा ले तो इनके कॉन्ट्रैक्शंस पैदा हो जाते हैं, इनके जो बच्चादानी होती है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस पैदा हो जाते हैं, और जब यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस पैदा हो जाते हैं तो गर्भपात या एबॉर्शन होने का खतरा हो जाता है। इसलिए कच्चा पपीता, हरा रंग का जो पपीता होता है, उसको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो खान पान है जो गर्भवती महिला को नहीं खाना चाहिए, वो है चाइनीज़ फूड्स। चाइनीज़ फूड्स के अंदर खास तौर पर MSG नाम का केमिकल इस्तेमाल होता है, जिसको हम बोलते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इसको आम भाषा में अजीनोमोटो भी बोलते हैं। अजीनोमोटो या MSG एक ऐसा केमिकल होता है जो चाइनीज़ फूड में बहुत आम तौर पर इस्तेमाल होता है। जब गर्भवती महिलाएं चाइनीज़ फूड को खाते हैं तो ये केमिकल उनके पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है, फीटस पल रहा होता है, उसके नर्वस सिस्टम यानी उसके मस्तिष्क को डैमेज करना, उसके नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। इसलिए बच्चे को जन्मजात विकृतियां होने की खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ये जो चाइनीज़ फूड्स हैं, ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, जो थर्ड इम्पॉर्टेंट खान पान की चीज़ है जो गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं खानी चाहिए, वो है कच्चा अंडा, यानी कि रॉ एग। कच्चे अंडे के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं साल्मोनीला। साल्मोनीला नाम का जो बैक्टीरिया होता है, वो गर्भवती महिलाएं के अंदर फूड पॉइजनिंग पैदा करता है। फूड पॉइजनिंग के कारण उनको भी खतरा होता है और उनके पेट में जो पल रहे बच्चे उसको भी खतरा होता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को खाना चाहिए अंडा जो अच्छे से पका हुआ हो, कुक्ड हो, वही अंडा खाना चाहिए। कच्चा अंडा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो गर्भवती महिलाओं को नहीं खानी चाहिए, वो है नमक। ज़्यादा नमक खाने से शरीर के अंदर गर्भवती महिलाओं के पानी रुकता है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, वाटर रिटेंशन हो जाता है। ज़्यादा पानी शरीर में रुकने की वजह से उनका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है, और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कई सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं जो बच्चे की माँ को और खासकर जो पेट में पल रहे बच्चे दोनों को खतरा पैदा करते हैं। इसलिए नमक बिल्कुल भी ध्यान से सोच समझ कर खाना चाहिए। उसका एक डोज है 2400 मिलीग्राम, उससे ज़्यादा इस मात्रा को प्रतिदिन नहीं खानी चाहिए। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। दोस्तों, जो आखिरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 5वां पॉइंट है जो गर्भवती महिलाओं को इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वो है शराब, एल्कोहल। शराब और एल्कोहल जो गर्भवती महिलाएं पीती हैं, उनके अंदर कई सारी समस्याएं देखने मिलती हैं। पहली जो समस्या देखने मिलती है वो मिसकैरेज एबॉर्शन की है। उनका जो बच्चा है वो ख़त्म हो जाता है पेट के अंदर, इंट्रायूटरिन डेथ बोलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, जो बच्चे जन्म लेते हैं इन ऐसी महिलाओं में, वो मृत पैदा होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टिल बर्थ। और जो बच्चे जन्म ले भी ले तो उनके अंदर कई सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियां देखने मिलती हैं, जिनको हम बोलते हैं फीटल एल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, FASDS। इस बारे में अब आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों, जो महिला शराब पीती है उनके बच्चों में जो फीटल एल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके जो लक्षण हैं वो हैं, इन बच्चों में जो उनका जो सिर का साइज़ है स्मॉल हेड साइज़ हो जाता है, सिर का साइज़ छोटा होता है, लो बॉडी वेट होता है, बच्चों का जो वज़न होता है वो कम होता है, इन बच्चों की जो मेमोरी होती है वो कम होती है, कमज़ोर पुअर मेमोरी होती है, और इन बच्चों के अंदर किडनीज और हार्ट संबंधी बीमारियां देखने मिलती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट, नमस्कार एंड जय हिंद।